उज्जैन की गलियों का कुछ इतिहास पुराना है, हमसे पूछो हमने इसे बहुत करीब से जाना है। जितनी प्यारी बोली है उतना ही कड़क स्वभाव है। मुस्कुराइए, आप उज्जैन में, यही हमारे स्वागत करने का अंदाज है। और इन्हीं बेहतरीन लाइनों के साथ में मैं आपका भाई विजय सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाकाल लोक के दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ कैसे आया जाए, किस रूट के थ्रू आया जाए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजय सूर्यवंशी को। अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको पहले अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में उतरना होगा, फिर आपको बस और ट्रेन के थ्रू उज्जैन में आना होगा। महाकाल लोक रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर है और नानाखेड़ा बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर है। महाकाल लोक में एंटर करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें पहला है नंदी द्वार, दूसरा है शंख द्वार, तीसरा है नीलकंठ द्वार और चौथा है पिनाकी द्वार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग नंदी द्वार से एंटर हो चुके हैं और कमल कुंड तक पहुँच चुके हैं। कमल कुंड एक प्रकार का कुंड है जिसमें बहुत सारे कमलों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जिसके बीच में हमारे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है जिसमें वह योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। आगे चल के आपको सप्तऋषियों की प्रतिमा देखने को मिलेगी और वीरभद्र द्वारा दक्षवत की भी प्रतिमा मिलेगी। यहाँ पे आपको देश विदेश से कई प्रकार के यात्री और श्रद्धालु देखने को मिलेंगे जो अपने फैमिली के साथ यहाँ का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के आधार पे कई प्रतिमाएं देखने को मिलेगी और 108 स्तंभ देखने को मिलेंगे जो एक के बाद एक स्थापित है। यहाँ पे आपको शिव जी की अनेक प्रकार की लीलाएं देखने को मिलेगी, जैसे गजासुर वध और त्रिपुरासुर वध और भगवान शिव द्वारा यम संहार। यहाँ पे आपको पुरानी रुद्रसागर झील देखने को मिलेगी जिसकी एक साइड में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। आगे चल के आपको भगवान शिव की कई लीलाओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, जैसे काल भैरव। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और सोच रहे थे कि और नया क्या क्या देखने को मिलेगा आगे, तो गाइस पूरी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में, हम बताएंगे कि और आगे क्या क्या हुआ। आगे चल के हमको भगवान शिव की बारात की प्रतिमाएं देखने को मिली और कुछ ही दूर चल के हमको रावण की प्रतिमा देखने को मिली जिसमें वह कैलाश पर्वत उठाए हुए हैं। फिर कुछ ही दूर और चलने पे हमको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। आगे चल के हमको भगवान शिव की प्रतिमा देखने को मिली जिसमें वह समुद्र मंथन के टाइम विष पी रहे थे। यहाँ पे आपको प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलेगा जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूम सकते हो और यहाँ का आनंद उठा सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे रात होती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ का नजारा देखने लायक बनते जा रहा था। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर शाम का नजारा कितना मनमोहक बनते जा रहा था, जैसे मतलब कोई आए तो यहाँ पे खो जाए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे घूमने के लिए कुछ चार्ज लगा कर मिलेगा, तो गाइस अभी के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाद में कभी हो सकता है पर अभी के लिए कोई चार्ज नहीं है आने के लिए। यहाँ पर रात्रि और श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था भी की गई है। हम लोग पूरे महाकाल लोक में घूम लिए थे और आपको बता दिया है कि ये कैसे क्या है, तो हम फिर चलते अपने घर की ओर क्योंकि यहाँ रात का समय होने लग गया था और हमको और भी कुछ काम थे। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ऐसे ही अपकमिंग अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।